तीसरी वीडियो निकालने वाला हूँ भगवान, मैं समझे ना, ऐसे साथ नहीं छोड़ना इस बार। जाकिर, उपमन्यु, बस्सी, इन सब से ज़्यादा वायरल करानी हो। मेरी पता कितनी धूप बत्तियाँ लग गई पिछले 2 महीने में आपके चक्कर में, वीडियो के चक्कर में। इस बार मम्मी पापा को नहीं बोलूँगा, पक्की बात। चलो मैं अपनी मम्मी से मिल के आता हूँ। हाँ जी, क्या कर ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ। क्या ये निर्मा गोल, ये औरत फिर निर्मा गोल रही भाई? हाँ तो फिर क्या हो गया, निर्मा गोल रही हूँ। बचपन में तूने पिया था, अभी एक बार फिर पी ले निर्मा। मुझे मेला दिखाने ले चलो। इस आदमी ने मुंह पे मना कर दिया मेरे को, कह रहे क्यों जाना मेला। मैंने कहा मुझे वो फूक मार के जो बुलबुले निकलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है पापा। इस आदमी ने मुझे घर में निर्मा घोल दिया। दुनिया के सामने जलील कर दिया है कि मुझे निर्मा पिलाया, तो एक बार फिर पी ले। फिर क्या है, पिएगा? किसके साथ? वो यंत्र है जो पिछली बार दिया था बचपन में। यंत्र है, यंत्र तो यंत्रों की कमी नहीं है, तू पीने वाला बन। यंत्रों की कोई कमी नहीं है, पीन वाला बन तू। डांट निर्मा ने। एक लाख जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है। 1 लाख भैया, 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। मुझे 3 घंटे हो गए इंटरव्यू लेना है मुझे। तो हमने बुलाया था क्या यार? तो यार घरेलू कलेश निपटाए या इंटरव्यू दे बैठ गए? इंटरव्यू कर लेते हैं पहले। आंटी आप लोग का एक फर्स्ट इंटरव्यू है? हाँ फर्स्ट इंटरव्यू। पहले कोई जॉब वगैरह के लिए दी है आपने? हर्ष अपने बारे में कुछ बताओ, आज जो आपकी पहचान है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, इसके पहले आपकी क्या जर्नी रही है? इसके पहले पढ़ाई लिखाई करी है मैंने, बीटेक करी है जो सब लड़के करते हैं, और सारा ह्यूमर कानपुर से निकल के आ रहा है, वो होम टाउन है हमारा। ह्यूमर जो भी है मेरा, जितना भी ह्यूमर सेंस निकल के आ रहा है वो ये रगों का जो खून है इनके उसे निकल के आ रहा है। तो मैंने इनको ये बोला था कि जब वीडियो चल जाएगी तो फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे UK, US, एम्स्टरडेम ऐसी जगह परफॉर्म करूँगा। उसके बाद जब नोएडा में परफॉर्म किया तो इनको मैंने बताया आज मेरा नोएडा में शो है, तो कह रहे हैं वीज़ा लग गया। इनको बहुत घुमा दिया मैंने। पूछो, यू इंग्लैंड घूम के आ रहे कि नहीं? इंग्लैंड के एयरपोर्ट पे उतरे और रोए जा रहे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, थाईलैंड लेके गया इनको, ये है टाइम इंग्लैंड में, इसलिए रो रहे हैं कि मैंने कहा रो के रो इतना, कह रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इंग्लैंड की धरती पे खड़ा हूँ। यार है इनको मैं लेके गया हूँ, और 70th बर्थडे था इनका, तो मेरे से कह रहे थे कोई तीर्थ वगैरह करा दे, धाम वगैरह कहीं 4 धाम ले चल। तो मैं थाईलैंड में गए, वहाँ पे जो बीच होती है ना, वहाँ बीच के पानी को इन्होंने यूं करके ऐसे लेकिन वही है, हम लोग शाम को घर अपने रूम में आ जाते थे होटल में, ये थोड़ा घूमता फिरता रहता था, ये फिर थोड़ा 2-3 घंटे लेट आता था, ये हम लोग सो जाते थे। फिर क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मम्मी और भी रिश्ते होते हैं लड़के के जो ऐसे जुड़े होते हैं ना, ये बता देंगे तो वो भी टूट जाएंगे। नहीं टूटते। जो वहाँ बर्मिंगम एयरपोर्ट पे उतरे, तो जब हम छोटे थे 7th क्लास में, हमारी इंग्लिश की बुक थी न्यू कैलेंडर रीडर, उसमें हमने बर्मिंगम नाम पढ़ा था, तो वो मेरे को लगा कैसा नाम है बर्मिंगम जैसे कोई। लेकिन जब हम वहाँ गए तो मैंने इसको कहा इसके नीचे खड़े होके हमारी फोटो खींचो, ये बर्मिंगम हमारे बचपन से जुड़ा हुआ नाम है, मैं कहती थी, और आज मैं बर्मिंगम में खड़ी हूँ। जगह का किसका पापा? वाह, पतंग क्या पटांग बीच, पटांग देख रहे हो कैसे याद है अभी तक, बीच याद है वहाँ पे, वो ऐसे ऐसे करती है। नहीं, पर्ल पतंग होटल था, होटल था पर्ल पटांग, पर्ल पतंग देख रहे हो।
खड़ी रहती हैं और कॉल करती हैं भाई मसाज करा मैंने कहा तू करा ले हाँ मैंने कहा तू करा ले भाई हम लोग को नहीं करानी है सुमा कोई मसाज तुम करा ले उम्र में मेरे से कह रहे हैं बोलो ऐसे ही है मसाज साल कुछ तुम सुबह उठो सब ठीक हो जाएगा 6 बजे उठ के देखो मैंने ये चीज़ वहाँ पे नोट की हुई कि बाहर के देशों से लोग जाके वहाँ पर एक बांग्लादेश रोड बना हुआ है बांग्लादेश नहीं रोड है बाबा बांग्ला रोड है बांग्ला रोड वहाँ पर जो कोई हिंदुस्तान का पंजाब का और पाकिस्तान के लोगों ने आके अपना कब्जा कारोबार कर लिए रेस्टोरेंट होटल मसाज और सारा कारोबार शुरू कर लिया तो रेवेन्यू जो है उनकी वो टूरिज्म से छोड़ो ना ये रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म से वही जो है हमारे यहाँ पे मोदी साहब चाहते हैं वही है सब सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ पैदा होने की क्या कहानी है आंटी नहीं पैदा होने की क्या कहानी है डर था कि पता नहीं फिर से लड़की होगी क्या होगा तो फिर जब गए ऑन बेड शुरुआत हुई ये मतलब हो गया लेकिन हमें क्या से पता चलता तो हमने कहा डॉक्टर साहब लड़की हुई है कि लड़का बोली चुप रहो लड़की हुई है चुप रहो बोलो नहीं तो पीछे से नर्स बोली यूं यूं करके तो फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन लगी पंजाबियों में छोर लड़के को कहते हैं और उसका रूप बना ब्रंज बना शोर तो जैसे शोर मच गया शोर मच गया शोर आ गया शोर आ गया पापा काफी बोले तो हमारे पड़ोसियों ने कहा कि पता नहीं इनके यहाँ कोई चोर आ गया क्या आ गया तो गली मोहल्ले में के लोग इकट्ठे हो गए भाई कि भाई इनके यहाँ चोरी होगी गई गुजराल साहब के तो फिर पता लगा नहीं नहीं इनके यहाँ लड़का हुआ है भाई जैसे नाम नाम का लॉजिक ये था कि पहली बहन हुई तो उसका नाम पूजा रखा तो पहले आप पूजा करते हो फिर दूसरी बहन हुई तो उसका नाम आरती रखा पूजा के बाद आरती होती है तीसरी बहन हुई तो उसका नाम दीप्ति रखा दीपक जलता है उसके बाद चौथा हुआ तो हर्ष रखा खुशी दीपक जलने के बाद खुशियां होती परिवार में तो इतना लंबा लॉजिक है इनको पता था कि इतने तो हो नहीं है इस हिसाब से रखते जाओ आखिरी में खुशी हो जाए मुना हुआ डॉक्टर साहब है एमडी है फैजाबाद में वो इसको निक नेम जो है प्यार से मुनव्वर बुलाते थे ये मतलब ये है कि मामा की ये सेवा करता था मामा की उससे कोई ना कुछ फायदा होता था कहता है उनको मामा जी महंगाई हो गई है 10 से काम नहीं चलता फिर इसको 20 मिलने शुरू हो गए आपसे भी तो कुछ डील होती थी इसकी वही खाने की चीज डील होती थी ये क्रिकेट खेलता था और रोटी कभी होश नहीं होती तो मैं कहती थी आज मैं 5 रुपीज दूंगी खाना खा ले कहता अच्छा जल्दी लाओ क्या बनाया है दाल चावल जल्दी से मिला के देती थी खा लो कहता है इतने चावल 5 रुपीज में मैं इतने चावल नहीं खाऊंगा मैं कहती अच्छा 10 ले लेना खा तो ले इस तरीके से ये डील करता था बचपन में पैसों की तो आप बाइक की बात बताओ आंटी क्या परेशान हाँ बाइक की बात हाँ इसके फ्रेंड्स सवेरे दोपहर हम थोड़ी हम कम होते थे जहाँ आप सबके दरवाजों के आगे पैं 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 1 2 चा 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 वो हॉर्न बज रहा है नीचे भाग के जा रहे हैं और ये सब हो रहा है हम लोग का मैं इसको सेव करती थी मतलब इनसे खून के इनसे बचाती नहीं खून के भी नहीं लेकिन इनसे बचाती थी मैं कहती नहीं ये बहुत देर से आया है बड़ी देर से आया हुआ है रोटी खा चुका है आप सो मतलब इसको बचाती रहती थी कि इसको डांटना पड़े तो वो तो परेशान होंगे सब लोग कहते थे अरे भैया आ गए हर्ष के दोस्त आ गए हर्ष के दोस्त आ गए फिर बस ये समझ जाता था जैसे उतर कूद के नीचे कानपुर बहुत बढ़िया जगह ये सब वहीं से निकल के आ रहा है जैसे मैंने एक वीडियो में अपनी जोक मारा था शादी के रस्में में कि 50 रुपए सगन डालते हैं तो हमारी बहन की शादी में एक बंदे ने डाला था वो भी 10-10 के मम्मी नाम लेना उस बंदे का इन्होंने अब वो पुरानी हो गई कह रही पुरानी हो गई उसने रिश्ता क्या है रिश्ता है मतलब लेकिन तो 10-10 के 5 गले हुए नोट और आपस में चिपके हुए समझ रहे हो कि ऐसे मतलब कब से जुड़े हुए हैं आपस में ये कभी और कुछ आप
कानपुर की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है जो आपके दिमाग में रह गई और आप कानपुर मिस करने लगते हो? मोस्टली हमारी स्कूल की है एक्चुअली, जहाँ से आप स्कूलिंग करते हो वहाँ का बड़ा फ़र्क पड़ता है। स्कूलिंग हमारी इतनी ज़बरदस्त थी, जैसे हमारा एक मैथ्स का टीचर था वो केरला से आया था, उसको हिंदी नहीं आती थी, तो हम एक दिन उसके घर में पहली बार कोचिंग पढ़ने गए तो ऊपर छत पे चढ़े तो वहाँ रस्सी पे उसी के कच्चे सूख रहे थे। हम लोग ने सारे कच्चों में बम लगा दिए, सारे अंदर गए भी नहीं कोचिंग पढ़ने, बम लगा के नीचे आ गए वापस, और अगले दिन वो स्कूल नहीं आया क्योंकि सारे तो फट गए। शाम को वो लाल बंगला जो हमारा बाजार है वहाँ पे शॉपिंग कर रहा है, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर सर, आई एम जस्ट शॉपिंग, मैंने कहा कच्चे लेने। हम लोग डायरेक्ट बात करते थे टीचरों से, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई डर था हमारे मन में कि क्या चल रहा है। सोनिया सिस्टर इसकी, हाँ प्रिंसिपल नहीं आई हो, वो प्रिंसिपल थी हमारी, वो हिंदी नहीं समझती हैं, नंस हैं वो, क्या उसके पिताजी नेताजी थे, तीसरा फ्रेंड था वो पॉलिटिशियन बन गए, तो पीछे से सबके बैकग्राउंड अच्छी थी तो ये लोग कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे टीचरों पे हावी रहते। आपके लिए फॉर यू हर्ष, मतलब आई एम नॉट गोइंग इन टू मैरिज बट फॉर यू एक आइडियल वुमन क्या है, एक आइडियल लड़की, क्योंकि आपकी बहुत फीमेल फॉलोइंग है, उनको भी पता चलना चाहिए कि हर्ष कैसी लड़की, सीरियसली कैसी लड़की पसंद करेगा? क्या लड़कियां सारी अच्छी हैं यार, मेरे को तो सब ठीक लगती है। सारी तो नहीं कर सकते ना, बट ऑब्वियसली ये तो समझना ही पड़ेगा प्रोफेशन, बिकॉज ये ऐसा ही है ना प्रोफेशन कि मैं तो चार दिन बाहर ही हूँ अभी फिलहाल, आगे का नहीं पता बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आगे अगर और अच्छा हो गया तो हो सकता है वो भी कॉमेडियन ही होगी, क्यों हो भी सकता है, अब फिर कॉमेडी करती रहेगी तो घर कॉमेडी करती रहेगी तो घर कब सवाल। आपको लगता है कि आपकी USP क्या है, एक हर बात का जवाब है मेरे पास और उसी वक्त है, उसमें टाइम नहीं लगता, मतलब तुमने अभी मेरे से कुछ बोला तो मेरे पास उस बात का जवाब है। आपके दो बहुत वायरल वीडियोस हैं, शादी की रस्में हाँ, और एक रियलिटी शो, तो ये जो आपके इतने वायरल है मतलब मिलियंस में गए हैं, इसको लिखने में इसको कंसीव करने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगता है, जो लोगों को लगता है ना कि ये वीडियो निकाल, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हर जोक का बड़ा प्रोसेस लंबा है, बिकॉज आपके लिए जो चीज़ फ़नी हो सकता है इनके लिए ना हो, मेरे लिए जो चीज़ फ़नी हो सकता है इनके लिए ना हो, कोई ऐसी चीज़ लिखनी है जो हम सबके लिए फ़नी हो, वही वीडियो वायरल होती है। पहली बार कोई जोक लिखते हो ना और उसको ट्राई करते हो जाके और उसका इम्पैक्ट देखते हो कितना था, पहली बारी में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि लोग पागल हो के इधर उधर नीचे गिर गए ज़मीनों से उठाने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वो जाके आप यू हैव टू कंटिन्यूसली गो कम बैक एनालाइज कि क्या किया आज, और फिर उसके कनेक्शंस देखने पड़ते हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट हो सकती है, वो फिर खुद ही याद आती है। कब शुरू किया था और ये जो अभी जो हिट हुआ है उसको हिट होने में कितना टाइम लगा? ये शुरू किया था 2.5 साल पहले और 2.5 से तो 1-2 महीने ज़्यादा ही हो गए होंगे, और हिट किए हुए 6 महीने पहले वीडियो, 7 महीने पहले पहली वीडियो डाली थी जो कि रियलिटी शोज थी, जो कि 4 दिन में 1 मिलियन पहुँच गई थी। इट इज़ गुड फॉर अ न्यू चैनल, लाइक मेरा पहली बार मैंने कोई चैनल बनाया ना लाइफ में, और फिर वो ठीक ठीक चलने लगी, फिर उसके बाद शादी की रस्में डाली तो रशियन वाला जोक बहुत ही फेमस हो गया, तो वो जब शादी की रस्में डाला ना वो बहुत चल गई, वो बहुत अच्छी चली, लाइक वो इतनी तेज चली कि वो रियलिटी शोज से भी आगे निकली है। कोई वार्म अप रिचुअल्स आप करते हो स्टेज पे जाने से पहले? मैं जो करता हूँ बिकॉज आई टॉक टू द क्राउड वेरी मच, इंटरेक्शन बहुत करता हूँ मैं, तो मैं दूर से देख के क्राउड जरूर स्टडी करता हूँ, क्योंकि क्राउड तो पहले ही बैठ जाता है ना आके, तो मैं पहली 2 रोज तो स्टडी कर लेता हूँ, और जाते ही पहले ऐसा लगता है मैंने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है और एक एक करके ठा 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 मारने लगता हूँ। जब आपके वायरल नहीं हुए थे तब आपके कितने टूर्स थे और उसके बाद आपके कितने ग्रेजुअली? जब वायरल नहीं होते हुआ तो टूर होता ही नहीं है, देयर इज नो टूर, आप कहीं जहाँ की आपकी जो बेस सिटी जहाँ आपने सीखा है सब कुछ वहाँ आप शोज डाल देते हो, भूले भुटके 4-5 लोग आ गए तो आ गए,
नहीं तो अकेले करते करते अपने सर्किट में मुझे बस्सी बहुत पसंद है, हमेशा से ही पसंद है, क्योंकि बस्सी और मैंने साथ में स्टार्ट किया था और रात रात को हम जोक्स एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज नहीं करते थे मतलब मैं उसको बताता था कि मैंने ये लिखा है और वो मुझे बताता था कि भाई मैंने ये लिखा है, उसका हमेशा ही अच्छा होता था। वैसे जो बहुत यंग लोग देखते हैं तो जो बच्चे, और क्योंकि ये बड़ा अपकमिंग सीन है तो जो यंगस्टर्स जो बच्चे आगे आना चाहते हैं उनको कोई टिप दो कि क्या करें शुरुआत के लिए। सबसे पहली बात तो पहले दिन जिस दिन आप ओपन माइक करने जाओ उस दिन अपनी सोशल मीडिया में खुद को कॉमेडियन मत लिखो। सीरियसली अगर उसमें बात की जाए साइड से तो इट विल टेक 3 ईयर्स, तो उतने टाइम का इंतजार करो और अपना काम करो उसमें। कीप राइटिंग, कीप परफॉर्मिंग इन ओपन माइक्स। एक की सेट को आपको 200-250-300 जगह करना पड़ेगा, 400 जगह भी करना पड़ेगा। जब वो हर जगह चलेगा तब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होगा यार ये तो हर जगह चल जाएगा। जाके थैंक यू, जाए बाय कर दो कैमरे को पापा। ओके बाय, तो थैंक यू सो मच, चलो सी यू, मिल गए, थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले जिस चैनल पे मैं आया हूँ सोचो वो कितना बड़ा चैनल होगा, नहीं तो इनके चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। द चैनल नेम इज़ बिग लाइफ शॉट्स और जो इनके इंटरव्यू करती हैं वो काफ़ी टैलेंटेड मतलब ऐसा मुझे कहा गया था बोलने के लिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू अगेन, बाय।